रन किया है। मत करो, रन लो। डक वाली गुजिया है ये। मेरे हाथ पीले हो गए, मेरे नेल पेंट से बिल्कुल मैच कर रही है गुजिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज प्रगति एंड हैप्पी होली गाइस। लेकिन एक मिनट, ये कौन सी बात हुई? होली के दिन किसका चेहरा इतना रूखा सूखा रहता है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ। ये लो, थोड़ा सा आपके गाल पे, थोड़ा सा आपके नाक पे एंड थोड़ा सा आपके पूरे चेहरे पे। अच्छा अच्छा, आप भी मुझे अपनी तरफ से लगा लो। ये लो, ये आपके तरफ से। ओके ओके, हैप्पी होली गाइस। हाँ, अब लग रहा है ना कि हम होली मना रहे हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स बिगिन। एक मिनट, मेरे हाथ में अभी भी कुछ कलर्स बजे, आप कहो तो आपको लगा दूं। ओह माय गॉड गाइस, तो ये है होली स्पेशल वीडियो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एंड आज की वीडियो में मैं खाने वाली हूँ गुजिया फॉर 24 आवर्स, और मुझे गुजिया बहुत ज्यादा पसंद है। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं खाने वाली हूँ बहुत ही यूनिक सा गुजिया, चॉकलेट गुजिया एंड कैंडी वाली गुजिया, जो मैंने लाइफ में अभी तक नहीं खाई है। तो मेरी मम्मी उसे बनाने वाली है, तो चलो सबसे पहले उसे बनाते हैं, फिर पेट पूजा करेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले हम चॉकलेट को ग्रेट कर लेंगे, उसके बाद मावा लेंगे और मावा में छेद करके चॉकलेट उसमें ठूस देंगे और फिर उसे पैक कर देंगे। एंड गुजिया कटर लेके ये काफी सेटिस्फाइंग से जूप से इसे निकाल देंगे एंड बूम, हमारा गुजिया तैयार है। उसके बाद कढ़ाई में मम्मी बाय बाय कर रही थी, पता नहीं क्यों। कढ़ाई में गुजिया को फेंक देंगे एंड चॉकलेट लेंगे और गुजिया को उसमें कर देंगे और फिर उसे हम फ्रीजर में रख देंगे कुछ देर तक। सेकंड के लिए फिर से मावा लेना है, उसमें ये टेस्टी चीजें भर देंगे एंड फिर उसे पैक कर देंगे, फिर से कटर से जूप से इसका निकाल देंगे एंड फिर छान देंगे। उसके बाद हमें चाहिए क्रश्ड कैंडी एंड फिर उसे फिल कर देंगे, उसे पैक कर देंगे, उसे कटर से कट करके ऐसे जूप से निकाल देंगे। फिर एक गुजिया पिंक चाशनी में और एक गुजिया हमारी ग्रीन चाशनी में एंड फिर फ्रीजर में। तो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है एंड ये इतना यम्मी लग रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास है ये चॉकलेट गुजिया, उसके बाद ये पिंक गुजिया विद स्टफ्ड कैंडीज एंड ये ग्रीन गुजिया। मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसे जल्दी से खा लेते हैं। तो सबसे पहले खाऊंगी मैं ये अपना चॉकलेट गुजिया। टेस्ट इतना अलग सा है, ऐसा लग रहा है एक बार मैं चॉकलेट खा रही हूँ और एक बार गुजिया खा रही हूँ, तो काफी डिफरेंट सा टेस्ट है। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ऐसा कुछ, बहुत मीठा है और बहुत यम्मी भी। मेरे साथ पता है होली में क्या होता है, मुझे कोई बुलाता है बाहर कि आ जाओ जल्दी से बाहर, मैं बस सिर्फ थोड़ा सा एक टीका लगाऊंगी एंड उसके बाद वो लोग मुझे घेर लेते हैं और मुझे भूत बना के छोड़ते हैं। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है? होली में एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी रहती है कि होली खेलने के बाद हम लोग कुछ ऐसे देखेंगे, लेकिन दिखते हम लोग जेठालाल की तरह। मुझे हर चीज ना निकाल निकाल के खाने की आदत है। इसमें चॉकलेट है बट मैं पहले इसकी छोटी सी कैंडी निकालूंगी उसे खाऊं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। एक तो मुझे गुजिया इतना टेस्टी लगता है एंड गुजिया के ऊपर चॉकलेट, भाई क्या कॉम्बिनेशन है, मजा आ गया मुझे खा के। अभी मैं खाने जा रही हूँ ये ग्रीन गुजिया। ओ, मेरे नेल पेंट से बिल्कुल मैच कर रहा है ये गुजिया। ये देखो, ये है मेरे नेल्स, ये है मेरा गुजिया, दोनों एकदम सेम टू सेम है ना। ये एकदम पैरेट ग्रीन कलर है और ऐसा देखने से लग रहा है ना कि पान वान है कुछ। ओके क्यों होता है मेरे साथ ये? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। लग ही नहीं रहा कि ये गुजिया है, ऐसा लग रहा है ढेर सारी कैंडीज मैंने अपने मुंह में भर लिए, बहुत यम्मी है ये वाली भी। और अंदर से इसकी फिलिंग अगर आपको दिख रही होगी तो थोड़ी थोड़ी पिंक पिंक अभी भी इसमें दिख रहा है। आप इसे घर पे पक्का ट्राई कर सकते हो, आपको जो भी कैंडी पसंद है आप इसमें स्टफ कर सकते हो। मेरे गुजिया में स्ट्रॉबेरी कैंडी है। मेरा टंग पूरा ग्रीन कलर का हो गया, इतना फनी लग रहा है ये सामने से देखने में, ज्यादा फनी लग रहा है। मत ज्यादा क्यूट गुजिया, इतना क्यूट गुजिया ना मैंने कभी खाया ही नहीं है, ना ही मुझे खाने का मन कर रहा है इसे, बस मन कर रहा है ना इसके साथ ऐसे ऐसे कुछ फोटोज वगैरह कुछ क्लिक करा लूं। तो खाते हैं इसे अब। एक बाइट लेते ही आपको अंदर से ये ब्लू ब्लू स्टफिंग्स दिखेंगे। मजा तो बहुत आ रहा है टेस्टी टेस्टी गुजिया खाने में, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरा मुंह खोल के किसी ने मेरे मुंह के अंदर 100 किलो चीनी डाल दिया। हाँ, मैंने इतना मीठा मीठा हो गया ना, मुंह से चाशनी टपक रही है मेरी बस, बट फिर भी मैं खा रही हूँ क्योंकि टेस्टी बहुत है। तो अभी मैं छत पे हूँ और मैं यहाँ पे बहुत टाइम से फोटोज क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो अलग बात है कि पिक्चर से आ ही नहीं रहे। मेरे हाथ पीले हो गए गाइस, आई मीन वो वाला पीला नहीं, ये गुलाल से पीला।
मेरा पीला हो गया बिल्कुल, कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हो गया है हमारा लंच टाइम, एंड लंच के लिए बनाते हैं कोई एक डक वाला गुजिया। आई मीन उसके अंदर डक नहीं फिल रहेगा, उसका शेप डक जैसा रहेगा। मम्मी ने किसी कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, मेरी मम्मी फर्स्ट आई थी इसलिए उन्हें ये मिला था, उनको पूरा एक बड़ा सा हैम्पर मिला था और मम्मी का पिक्चर भी आया था न्यूज़पेपर में अगले दिन, और भी शायद अवार्ड भी था ना कोई एक। तो उस टाइम में मैं स्कूल में जाके ऐसे भौकाल मार देती थी, ये देखो ये मेरी मम्मी है न्यूज़पेपर में आया। तो मम्मी ने सबसे पहले थोड़ी सी स्टफिंग डाली, फिर उसका मुंह बंद करके उसे एक डक बना दिया, और फिर इलायची से उसका आंख और नॉर्मल से गुजिया के दोनों एंड्स को ज्वाइन करके उसका पेट बना दिया। तो पिछले वीडियो में आलू की खतरनाक हत्या करने के बाद आज की वीडियो में मैं इस डक का मर्डर करने वाली हूँ। यार मैं कितनी बड़ी मर्डरर हूँ। ओके, तो गाइस ये डक कितना प्यारा लग रहा है, हमारी डक वाली गुजिया है ये। अच्छा देखो ये है ब्राउन मुंडी, ब्राउन मुंडी आई मीन ये ब्राउन कलर की है एंड ये है मुंडी, तो ये हो गया ब्राउन मुंडी। वैसे पिछले वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि ब्राउन मुंडी नहीं होता है, ब्राउन कुड़ी होता है, बट ब्राउन मुंडी बोलने का मजा ही कुछ और है। मेरे पास है ये पाइनएप्पल गुजिया, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। पहले मैं इस ब्राउन मुंडी की मुंडी निकाल के खाने वाली हूँ। ईटिंग मुंडी फॉर 24 आवर्स, सेंस है इस बात का? नहीं नहीं डक की मुंडी मेरे पेट में चली गई, अब डक के पेट को अपने पेट में डालेंगे। मेरी मम्मी कह रही है मेरे इतने लोगों के मर्डर कर दिए, मेरे ऊपर धारा 302 का वो चलना चाहिए, मुकदमा बता भी रही है क्या चलना चाहिए। ओह नो, आलू के परिवार ने मेरे पापा को बताया है कि आलू के परिवार वाले बहुत रो रहे हैं मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उस आलू की हत्या कर दी। इस पाइनएप्पल गुजिया में पाइनएप्पल की स्टफिंग भी होती है ना, तो क्या मजा आ जाता। लेकिन फिलहाल इसे खाते हैं। यार कितना प्यारा लग रहा है। ओह माय गॉड, किया है तो मत करो, रहने दो। गजब बेइज्जती है यार भाई, इतना क्रिएटिव लंच खा के मेरा पेट तो बिल्कुल भर गया है, एंड अब मैं जा रही हूँ सोने। ये नॉर्मल से गुजिया जिसे मुझे खाना पड़ेगा। एक्चुअली ना मैंने सुबह से इतना मीठा खा लिया कि मुझे मीठा खाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। आइए आइए, मेरी मम्मी मुझे देख रही थी, अब आ सकती है मम्मी, अपने ही लोग आइए 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 ना। ओह माय गॉड सो स्वीट। और मैं मम्मी के लिए एक शब्द बोलना चाहूंगी, एक शब्द नहीं बहुत सारे शब्द, बहुत सारे शब्द, कि इतने यूनिक और खतरनाक और मजेदार गुजिया बनाती है मेरी मम्मी, तो टैलेंट है कि नहीं। अब मम्मी कह रही है तुम इतना सुबह से गुजिया खा रही हो, अगर बेड पे मैं सोने जाती हूँ तो मेरे आस पास चीटा बता जाए मुझे सुनते सुनते कि इसने सुबह से बहुत मिठाइयाँ खाई। मेरा डिनर तो हो गया और सुबह ने मैं जानबूझ के लेट से उठूंगी ताकि मुझे सुबह गुजिया ना खाना पड़े और मेरा चैलेंज भी उसी में खत्म हो जाए। ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय गाइस एंड हैप्पी होली।